I hope to see you again. Indian passport holders उस एरिया में अलाउड नहीं है, बलूचिस्तान में। समझ में भी नहीं आ रहा है कि पुलिस है कि आर्मी है। पाकिस्तान बॉर्डर मकसद किधर है? पाकिस्तान मेरी अफगानिस्तान ना पाकिस्तान ना अफगानिस्तान अफगानिस्तान बलूची अफगानिस्तान। Hey guys, very good evening and welcome back to the channel. मेरा नाम है तोरवशु और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा मैं केरमान में हूँ और मैंने अपना वीज़ा 1 महीने के लिए एक्सटेंड करा लिया है, ईरान का वीज़ा। तो अब टाइम है केरमान सिटी से निकलने का और अगली डेस्टिनेशन पर जाने का, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ बलूचिस्तान। जी हाँ, बलूचिस्तान एक एरिया है जो कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तीनों में आता है। इसकी डिटेल मैं बलूचिस्तान पहुँच के आप लोगों को दूंगा। अभी 1 घंटे बाद की मेरी बस है और अभी मैं अपने होस्ट के घर पे हूँ केरमान में। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, इनका घर है, ऐसा कुछ इनका रूम है जो इन्होंने मेरे को दिया हुआ है। केरमान प्रोविंस के कैपिटल सिटी से बलूचिस्तान के कैपिटल सिटी में जा रहा हूँ और ज़ाहिदान सिटी जो कि कैपिटल है, ज़ाहिदान पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इतने नज़दीक है बाकी दो कंट्री। जो डिस्टेंस केरमान से ज़ाहिदान का है वो अराउंड 600 किलोमीटर। फर्स्ट टाइम ईरान में मैं इतनी लंबी रोड जर्नी करने जा रहा हूँ, तो मेरी ओवरनाइट बस है। ज़ाहिदान केरमान से तो 600 किलोमीटर है लेकिन तेहरान से 1600 किलोमीटर है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो मुश्किल नीज। तो यार ये मेरी होस्ट है मेहंदी है, इनके हस्बैंड है। तो इनके यहाँ मैं कल आया था और आज जा रहा हूँ, तो इन्होंने मेरी हेल्प करी बस टिकट बुक करने में और मेरे से बस टिकट के जो फेयर था ले नहीं रही थी, तो मैंने बहुत मुश्किल से इनको दिया है। सो मेहंदी, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग एंड फॉर हेल्पिंग मी। यू आर वेलकम। एंड यू आर वेलकम टू इंडिया। वी आर वेलकम टू माई होम इन इंडिया। थैंक यू। आई होप यू विजिट इंडिया वेरी सून। इनका इंडिया आने का प्लान था वही सेम पेंडेमिक के पहले, बट प्लान कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। आई होप टू सी यू अगेन। या थैंक यू सो मच। स्पेशली वी कम टू इंडिया। इंडिया, यस यस, विजिट योर कंट्री, योर ब्यूटीफुल कंट्री। श्योर। आई होप टू ईरान इकोनॉमिक ऑफ ईरान गेट्स बेटर एंड वी कैन गो ट्रैवल। We can travel to India. Well, I also hope to see you again. Thank you. And ये इनकी daughter है. Lia. Yeah. Okay, bye. Goodbye. Thanks for chocolate. No problem. Thank you. What do you say? Khushamadid. Khushamadid. Welcome. Bye. Bye. Goodbye. Bye. तो यार केरमान के बस टर्मिनल पहुंच गया हूं और मेरे को मेरे होस्ट के हस्बैंड के साथ साथ मेरी होस्ट भी ड्रॉप करने आ गई हैं। तो यार ये है तड़कता भड़कता केरमान का बस टर्मिनल का इंटीरियर। तो आप देख सकते हो यहां पे कई सारी बस है। ये वीआईपी बस है जो कि बुक थी फुली, मैं ले नहीं पाया। और ये क्लासिक बस है जिससे मैं जा रहा हूँ, यहाँ क्लासिक लिखा भी है। उसने भी 2-3 सीटें बची थी तो मैं पा गया, नहीं तो वो भी ना पाता मैं। अभी मैं अपने बस के अंदर आ गया हूँ। 600 किलोमीटर है और 8 घंटे में पहुँच जाऊँगा। 8 घंटे की बस जर्नी है। और एक इशू हुआ यार बहुत बड़ा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आई डोंट नो सही है कि गलत, बट मुझे नहीं पता है। जब मेरी होस्ट मेरा टिकट बुक कर रही थी तो ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा था जब वो इंडिया डाल रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने बस कंपनी को कॉल किया, क्योंकि यहाँ कई अलग अलग बस कंपनीज हैं, सबकी अलग अलग बस चलती हैं। तो स्टार्टिंग में कई बस कंपनीज ने बोला कि नहीं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स उस एरिया में अलाउड नहीं है बलूचिस्तान में। स्टार्टिंग के 2-3 बस कंपनीज ने बोला, तो वो बोली ऐसा तो पहली बार सुन रहा है, ऐसा तो कभी सुना नहीं है, बोल नहीं इंडियन पासपोर्ट होल्डर अलाउड नहीं है उस एरिया में। उसके बाद एक बस कंपनी मिली जिस कंपनी की बस थी, इसका नाम है 7 Adel। तो इन्होंने बोला ठीक है अलाउ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा। अभी तक मैं बस से पूरे ईरान में जितना भी ट्रैवल किया हूँ कहीं पर भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना किसी ने पासपोर्ट मांगा, ना चेक किया, ना कुछ किया। बट बलूचिस्तान जाने के लिए कई कंपनीज ने तो मना कर दिया। जिस कंपनी ने टिकट दिया, जब उनके काउंटर भी हम लोग पहुँचे टिकट की हार्ड कॉपी लेने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन बुक किया था, उन्होंने पहले मेरा पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट पूरा चेक किया, उसके बाद टिकट दिया। तो थोड़ा कुछ अलग टाइप का एरिया है और हर बार की तरह काफ़ी ज़्यादा सस्ता बस का टिकट, 600 किलोमीटर का सिर्फ 80,000 तुमान या 8 लाख रियाल आप बोल सकते हो, रुपए में 200 रुपए के आसपास। आई थिंक शायद पूरे वर्ल्ड की मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग तो बोलते ही हैं,
पूरे वर्ल्ड की सबसे सस्ती टैक्सी, पूरे वर्ल्ड का सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईरान में है। बस इतनी सीटें बेंड हो रही है, इंक्लाइन हो रही है, मतलब ठीक है काम चल जाएगा यार, रात बस हो जाए, रात पास हो जाए। तो फिर अब आप लोगों को मैं कल मॉर्निंग मिलता हूँ बलूचिस्तान में। गुड नाइट। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बलूचिस्तान रीजन। जी हाँ, अभी मैं हूँ ज़हदान में, जो कि कैपिटल है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस का। मैं मॉर्निंग में यहाँ पे लगभग 6 बजे के आसपास पहुँच गया था, अभी 7 बज रहा है। जब आया था तो काफ़ी डार्क था, अभी 1 घंटे हो चुके हैं, धूप निकल आई है, मैं 1 घंटे टर्नल के अंदर ही था। यहाँ पर आते ही यार काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, काफ़ी कुछ ज़्यादा। नहीं टैक्सी नहीं, दोस्त। तो यार ओवरनाइट जर्नी थी और रास्ते में कई बार मेरा पासपोर्ट चेक हुआ, कभी पुलिस आ रही, कभी आर्मी आ रही है, समझ में भी नहीं आ रहा है पुलिस है कि आर्मी है, लेकिन रास्ते में कई बार उठा उठा के पासपोर्ट चेक किया गया। फाइनली यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। और फिर जैसे मैं यहाँ सुबह 6 बजे पहुँचा तो कई लोग आके मेरे को घेर लिए, पहले तो पर्शियन बोले, मैं पर्शियन बोलना नहीं, तो फिर पूछने लगे कि हिंद या पाकिस्तान, मैंने बोला हिंद। तो फिर काफ़ी लोग यहाँ पे हिंदी और उर्दू बोल ले रहे हैं, मेरे से सुबह काफ़ी लोग मिले, तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि काफ़ी डार्क था। और उसके अलावा बहुत लोग ये भी मेरे से पूछते हैं कि पाकिस्तान जाना है क्या, मैंने कहा नहीं भाई, मैं यहाँ मुसाफिर घूमने आया हूँ। तो ऐसा कुछ, ये ज़हदान का बस टर्मिनल है, देख सकते हो आप। और इस जगह से 15 मिनट में पाकिस्तान भी है और 15 मिनट में अफगानिस्तान भी है। और मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी आता है, ईरान में भी आता है, अफगानिस्तान में भी आता है। जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है उसकी कैपिटल है क्वेटा। तो अभी हमें ईरान के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस सिस्तान एंड बलूचिस्तान में, और ये जो प्रोविंस है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड गल्फ ऑफ ओमान को नेबर करता है। यहाँ देख सकते हो यहाँ के जो लोगों का अटायर है, ड्रेसिंग है, काफ़ी अलग है ईरान के बाकी जगह से। तो ये देखो, ये पूरा टैक्सी स्टैंड है ज़हदान का। यहाँ पर यार जब मैं कैमरा नहीं यूज़ कर रहा हूँ सब आके बात कर रहे हैं, और जैसे मैं कैमरा निकाल दे रहा हूँ कोई बात नहीं कर रहा है मेरे से आके। तो यार काफ़ी अजीब सिचुएशन है। पाकिस्तान बॉर्डर, तप्तान हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर ना 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 पाकिस्तान मेरी तप्तान ना पाकिस्तान ना मुसाफिर टूरिस्ट टूरिस्ट जी टूरिस्ट मुसाफिर फारसी बलूची जाबुली आप बलूची बलूच बलूच ओके मेरा दोस्त आ रहा दोस्त दारी दोस्त तफ्तान बादर पाकिस्तान पाकिस्तान ना 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 पाकिस्तान जानता है मैं हिंद इंडिया से हिंदी ओ हम मुझे रफीक दस्ती हाँ किधर जाना है नहीं यहाँ घूमने आया इधर इंतजार है हाँ दोस्त मेरा आ रहा आपको उर्दू आता हिंदी आता आता ओके ठीक है ओके ओके दोस्त मेरा आ रहा इधर आएगा इधर आएगा नहीं हाँ टूरिस्ट मुसाफिर मकसद किधर है ऐसे घूमना ठीक तो थोड़ी देर में मेरे को मेरे होस्ट लेने आने वाले हैं, जो कोई मिल रहा है हर कोई, तफ्तान बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसका नाम है तफ्तान बॉर्डर, जो कि बस 10-15 मिनट के रास्ते पे है। तो हर कोई बोल रहा है वहाँ पर जाना है, पाकिस्तान बॉर्डर जाना है। और मेरी यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात हुई है, लेकिन मैक्सिमम लोग कैमरे के सामने नहीं आए, नहीं आना चाहते थे। जाना है। ना ना तफ्तान पाकिस्तान हा? नहीं 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 दोस्त आ रहा मेरा इधर आओ या इधर आ रहा अच्छा ठीक है तफ्तान जाना है नहीं 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 तफ्तान पाकिस्तान तफ्तान नहीं जाना नहीं जाना ओके तो अभी मैं वॉक करके एक नियरेस्ट पॉइंट पर जा रहा हूँ और जहाँ मेरे होस्ट मेरा वेट कर रहे हैं। और ये जो एरिया है सिस्तान एंड बलूचिस्तान का, ये ईरान के मोस्ट साउथ ईस्टर्न पॉइंट पे, साउथ ईस्टर्न लोकेशन पे आता है। और अंटिल ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 तक इस प्रोविंस का नाम सिर्फ बलूचिस्तान हुआ करता था, उसके बाद इसका नाम चेंज करके सिस्तान एंड बलूचिस्तान कर दिया गया है। सिस्तान यहाँ पे माइनॉरिटी है, और जो बलोच है, बलोच के लोग हैं, बलोची लोग वो यहाँ पे मेजॉरिटी में है। बलूचिस्तान मतलब लैंड ऑफ बलोच। पूरे ईरान में शिया मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, बट सिस्तान एंड बलूचिस्तान में सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी में है। यहाँ के जो माइनॉरिटी है वो सिस्तान है, जो शिया को फॉलो करते हैं, और उनकी लैंग्वेज फारसी है। बट जो बलोची है, जो यहाँ पे मेजॉरिटी में है,
उन लोग बलोची लैंग्वेज बोलते हैं और उन लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। पूरे वर्ल्ड में बलोची पीपल, बलोच लोगों की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 10 मिलियन है, यानी 1 करोड़, और उसमें से 50% से भी ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, उसके बाद फिर ईरान और अफगानिस्तान में और थोड़े बहुत अदर कंट्रीज़ में। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। गुड, दिस कैमरा? ओके, वेलकम टू ज़ायरान। थैंक यू सो मच। Many people here speak Hindi and Urdu. Yes, we have a Indian community here. You have? Oh. Yeah, we have an Indian consulate in Zahedan. Indian we consulate? Have, oh. Yes, we have a Gurudwara here. Gurudwara. Gurudwara, yeah. Yes, Zahedan Gurudwara. You see, because many years ago when there was no Pakistan in between, So Iran was had the same border with the India. With India. And Zahedan was the last city before India. Okay. So we have many Indian people here, Indian consulate, Indian community. Okay. And you have also been to India. I've seen your photo. Exactly. My last travel before the lockdown was India. Yes. And when I was in India, the coronavirus was at the start. State to get the spread to the world. And I saw you deep in Taj Mahal. Exactly. It's in my state, my province. Ah. Uttar Pradesh. Ah. So guys, ये मेरे host है अहमद, बलूचिस्तान की capital ज़ायदान में, और मैं इनके यहाँ रुकने वाला हूँ। I don't know, शायद 2 दिन के आसपास। Many people in other part of Iran told me, please don't go to Sistan and Balochistan. It's not safe. I thought I should travel. I should know the place. See, this is a common idea. For example, when you want to come from Turkey or Europe to Iran, everybody say, oh, don't go to Iran. Yeah. When you come to Iran, they say, oh, don't go to Sistan and Balochistan. And when you come here, people say, oh, don't go to Pakistan. You see? That's true. मेरे को बहुत लोगों ने बोला था ईरान के अदर जगह पे, अदर सिटीज़ पे, कि सब जगह चले जाना, बट इस एरिया में मत आना, सेफ नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों से बाद में बात करूँगा, बताऊँगा। खैर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, एज यू कैन सी ऑल द शहीद। यस, शहीद है, शहीद ऑफ ईरानी इराक वॉर। ईरानी इराक वॉर। सो अहमद, व्हाट वर्क यू डू? आई एम अ डेंटल टेक्नीशियन। डेंटल टेक्नीशियन? Yeah, I make crown teeth, false teeth, orthodontic appliances. And on the way, many police and army came to check the passport. Yeah. I don't know why. They don't know, even can't read the passport. They just look to do something. Here is the fish market. They bring fish market. Fresh Indian Ocean fishes from the Chabahar. Chabahar. Yeah. You can get very fresh and good quality fish here. Even the dressing sense and clothes of people is very different than other part of Iran. Yeah. So the traditional costume of Baluchi and Baluchi Sistani people. Sistani people. Yeah. You see, fruit shop, supermarket, coffee shop, and there is a big restaurant on the other side. Okay. And two bakeries on this street. Okay. Welcome to my house. Thank you so much. Multi-purpose home. Multi-purpose. Also, we sometimes visit patients here. Okay. Yes, and I sometimes work here. Mm-hmm. And also this room is for the sitting, for the friends. Here's the kitchen you can use. Bathroom and toilet here. Hot water is available. You can Shower. Shower, yeah. And this is your medical equipment, dental equipment. Yeah. Stove. Yes. For the heating and for smoking opium. Okay. Smoking opium? Yes. Here is the city of opium. Yeah, you messaged me. Welcome to the city of opium, gun and money. Money, yes. Yeah. You can see people in the street with a big gun. J3 guns, yeah. Okay, they keep and walk around the city. Yeah, but you see they are the protector of some khans, you know? Some khans. Yeah, yeah. Who are khans, like rich people here? I don't know. No, the head of the tribe. Head of the tribe. Yeah, yeah. Okay, they are khans. Yeah. Okay, and they have the license gun. Yeah. Okay. Yeah. Super rich people. Yes. All the head of tribes. Yeah. They are super rich. Yeah, super rich. Oh.
For example, if you go to Balochistan, you will see, for example, in a village, all the houses are ruined, are very old style. But in the middle of the village, it's like a palace. Like a palace. Oh, yeah. My God. You will see. We smoke opium in the morning. Yeah. This is? Yeah. Opium? Yeah. I have no idea. zero idea. Just doesn't bite you. I will just... सो गाइस अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं निकला हूँ ईरान के सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस सिस्तान एंड बलूचिस्तान के कैपिटल ज़ैदान को एक्सप्लोर करने के लिए. इस पूरे प्रोविंस के जो पॉपुलेशन है वो है अराउंड 25 लाख या 2.5 मिलियन बोल सकते हो, और जो ज़ैदान की पॉपुलेशन है इस कैपिटल सिटी की वो है 6 लाख, यानी कि 1/4 पॉपुलेशन ऑफ दिस प्रोविंस ज़ैदान में रहती है. जैसे कि जैसे कि ईरान में हर प्रोविंस का जो कैपिटल होता है वो सबसे लार्जेस्ट सिटी होती है, वैसे यहाँ पर भी है. ज़ैदान बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सिटी, सबसे लार्जेस्ट सिटी है, इसलिए इसको कैपिटल बनाया गया है. मेरे होस्ट का एक्चुअली 2 घर है, एक घर में जहाँ उनकी फैमिली रहती है, दूसरा घर जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ. एक्चुअली पहले इनका इस घर पर क्लिनिक हुआ करता था, उन्होंने फिर अपना क्लिनिक चेंज कर दिया है. और बोल रहे हैं कि जब से कोविड हुआ है कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलर नहीं आया, शायद एक आध दो आए होंगे. और इंडिया से आप पहले मेरे गेस्ट हो, पहले मेरे सर्फर हो जिसको मैं होस्ट कर रहा हूँ इंडिया से, ये तो इंडिया से आज तक कोई नहीं आया है. तो यार घर के बाहर कोई ये बहुत बड़ा स्क्वायर देख सकते हो, बीच में ईरान का फ्लैग लगा हुआ है, कई सारी कार्स हैं. तो आज मैं पूरे सिटी को अकेले एक्सप्लोर करने वाला हूँ और पूरे सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस को, पूरे ईरान का सबसे पुअर और सबसे अंडर डेवलप्ड प्रोविंस बोला जाता है. पूरे बलूचिस्तान प्रोविंस की जो इकॉनमी है वो इंडस्ट्री और माइनिंग पे बेस्ड है. ऑल्दो पूरा प्रोविंस काफ़ी ज़्यादा रिच है क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ मेटल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, स्टिल यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी गरीब है, काफ़ी पुअर माने जाते हैं. और 2-4 सिटीज छोड़ के पूरे प्रोविंस काफ़ी ज़्यादा पुअर है और अंडर डेवलप्ड है. पूरे प्रोविंस में कई सारे सीमेंट्स की फैक्ट्रीज़ है, माइनिंग की फैक्ट्रीज़ है, और कॉटन टेक्सटाइल का काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है. यहाँ के जो एथनिक लोग्स हैं वो मैक्सिमम बलोचीज़ हैं, और जो बलोचीज़ का लैंग्वेज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो फारसी से और ईरानियन लोगों से काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग है. कोई तो चांद लड़ने लग गए यार. अरे 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 नो 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 उनके घर से भी कोई आया, उनकी फैमिली शायद मम्मी थी, जो भी रिंगू समझाए, फिर भी नहीं रुक रहे हैं, फिर भी लड़ाई कर रहे हैं. ज़ैदान को बलूचिस्तान का सुन्नी सेंटर माना जाता है. और अभी मैं आया हूँ ग्रैंड मक्की मॉस्क ऑफ ज़ैदान, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल मॉस्क है ये. ग्रैंड मक्की मॉस्क पूरे ईरान का सबसे बड़ा सुन्नी मॉस्क है और लगभग 50 ईयर्स पुराना मॉस्क है ये. 1970s में इसको बनाया गया था और इसका जो आर्किटेक्चर है वो ओटोमैन आर्किटेक्चर है, आप देख सकते हो. यार यहाँ पे रोड क्रॉस करना है, कुछ गाड़ियाँ कम हो तो कर लूँ, अभी कर लूँ तो कोई गाड़ी रोकता भी नहीं यहाँ पे. देख लो भाई, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है, लोकल्स की तरह बीच में भागना पड़ेगा यहाँ पे. तो यार ग्रैंड मॉस्क ऑफ मक्की को देख कर लग रहा है अभी भी ये पूरी तरीके से बना नहीं है, इसका कुछ ये पार्ट, कुछ पोर्शन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन देख सकते हो आप, अभी भी इसको बनाया जा रहा है कुछ डोम्स वगैरह. ईरान में टोटल 2 गुरुद्वारे हैं, एक कैपिटल सिटी तेहरान में है और एक ज़ैदान में है जहाँ पर अभी मैं हूँ. तो मॉस्क के बाद मैं गुरुद्वारा जाऊँगा, तो अभी ट्राई करता हूँ मॉस्क के अंदर जाने का. आई थिंक गेट शायद इस तरफ से कहीं लग रहा है मेरे को. एंट्री एंट्री दाखिल ममनू ममनू ना नहीं नहीं भाई नहीं नहीं. तो मॉस्क के बाहर अभी कुछ बलूच लोग मिले और एंट्री करने से मना कर दिए हैं, तो अभी कोई और भी मिला बोला आप अदर साइड से जाओ, शायद आपको एंट्री करने मिल जाए. तो ट्राई करता हूँ, एक ट्राई और करता हूँ अदर साइड से एंट्री करने का. यहाँ मैं ये देखा हूँ कुछ बलूच तो बहुत ही अच्छी हिंदी और उर्दू बोल ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं बोल तो नहीं पा रहे लेकिन कुछ वर्ड्स बोल ले रहे हैं, लाइक हिंदी उर्दू का 10-20%, तो थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं. यार मैं अदर वे से जा रहा हूँ, कुछ इस टाइप के यहाँ पे ये घर बने हुए हैं, काफ़ी अलग टाइप का इसका आर्किटेक्चर है यहाँ के घर का, देखो आप. पर मुझे इतने को दे दिया
मेरे होस्ट बोल रहे थे कि आप जब बाहर निकलना तो बहुत ही संभल के फ़ोन और कैमरा यूज़ करना, स्नैचिंग यहाँ काफ़ी ज़्यादा केस होते हैं, हो चुके हैं, तो बहुत मेरे को संभाल के कैमरा फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। खैर बहुत ही कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्नैचिंग यहाँ पे काफ़ी हो रहा है आजकल। घरों की डिज़ाइन देखो, आपकी टेक्चर देखो, पूरे ईरान से काफ़ी अलग है, देख सकते हो आप। अलग ही टाइप के यहाँ पे ब्रिक यूज़ किए गए हैं यहाँ के घरों में। फारसी और बलोची? बलोची एम फारसी। फारसी भाषा लैंग्वेज बहुत। ये मेरा है मस्जिद मेरा है। उर्दू नहीं जानता है, कम जानता है। बहुत खूबसूरत मस्जिद, खूबसूरत है, खैली खुशकिल खुशकिल। ये अफगानी है। पश्तो बलोच, ये फारसी जबान है। फारसी जबान बलोच, मैं बलोच है। तो यार ये देखो, ये मस्जिद का सेंटर है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये अफगानी है, अफगानी है, फारसी है, ये बलोच है। ये बलोच नहीं, आप जायदान से? आप अफगानिस्तान। बलोची अफगानिस्तान। ग्रैंड मक्की मॉस्क का जो इंटीरियर है बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। क्या हाल है भाई जान? बढ़िया, आप कैसे हैं? खुश हो? मुसाफिर? अफगान। हिंदुस्तान? इंडिया। आप इधर तशरीफ लिया है? हाँ बस अभी भी आया हूँ, 5-10 मिनट हो रहा। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम, बहुत अच्छा लगा बात करके। अब लोग बलोच में मामनून को क्या बोलता? मिन्नतवार के। मिन्नतवार। 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 थैंक यू। थैंक यू। ये मस्जिद के ज़ेर ज़मीन। ज़ेर ज़मीन। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक एकदम। कहाँ से आप? मैं हिंदुस्तान, इंडिया। हिंदुस्तान जी। आप कैसे इधर आए हो? मुसाफिर, टूरिस्ट। टूरिस्ट, टूरिस्ट ईरान। आप कहाँ से? मैं यहाँ से, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान, ओके। जायदान से? नहीं जायदान ना, एक और सिटी। ओके, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान। ओके ओके ओके, ठीक है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तोरवशु। तोरवशु जी। मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। मेरे दोस्त का नाम आरिफ है, हिंदुस्तान में। आप पिलौन है? हाँ जी जी जी। काफ़ी सारे लोग आ गए जी। अब मैं जाता अगली जगह। जाते हो? कहाँ जाते हो? अब मैं, मेरे को जाना है रसौली बाजार, रसौली बाजार और गुरुद्वारा। दो जगह जाना। आप कब कब आए आप? आज सुबह। आज सुबह जी जी। और उसका एड्रेस है मेरे पास, है फोन में। आपके पास है सारे चीज़? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। मैं हेल्प यू। थैंक यू सो मच। कैन यू गिव मी योर नाम? श्योर। ओके, मिन्नतवार। मिन्नतवार। थैंक यू सो मच। ओके बाय। मिन्नतवार। मॉस्क के एक साइड से तो मेरे को एंट्री करने से मना कर दिया गया था, लेकिन जब मैं दूसरे साइड आया तो वहाँ से मेरी एंट्री हो गई मॉस्क में। और काफ़ी सही लोग मिल गए थे यार, और उन्होंने मेरे को पूरा मॉस्क घुमाया। काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी बड़ा मॉस्क था, कई आई थिंक शायद 2 या 3 फ्लोर का मॉस्क है। अब मैं गुरुद्वारा जा रहा हूँ, तो जायदान में गुरुद्वारा है, तो आई थिंक देखता हूँ कैसे जाना होगा। अराउंड 2.5 किलोमीटर है, ट्राई करता हूँ स्नैप या कोई टैक्सी मिल जाए।